Sudhuti Numan, today I am going to read about Let's Connect. So, let's start. Let's Connect. You have discussed about Indian handicrafts in your EVS class. आप Indian handicraft यानी भारतीय हस्तकला के बारे में अपनी EVS क्लास में डिस्कस कर सकते हैं. लुक एट द फॉलोइंग सैम्पल ऑफ अ हैंडीक्राफ्ट. दिया गया हस्तकला का सैम्पल देखिए. इन द गिवन पिक्चर यू कैन सी वारली आर्ट. दी गई पिक्चर में आप वारली आर्ट देख सकते हैं. इन दिस आर्ट स्टाइल यू यूज लाइन प्लेन शेप्स टू ड्रॉ पेंटिंग्स. इस कला में आप लाइन्स और प्लेन शेप्स का यूज़ करते हैं अपनी पेंटिंग बनाने के लिए. ड्रॉ अ सिंपल पेंटिंग यूजिंग वारली आर्ट स्टाइल इन योर नोटबुक. आप वारली आर्ट का यूज़ करके सिंपल वारली आर्ट का यूज़ करके एक पेंटिंग बनाइए अपनी नोटबुक पर. वी केयर टेक अ शू बॉक्स विच इज़ ऑफ नो यूज फॉर यू. एक शू बॉक्स लीजिए जिसका आपके लिए कोई यूज नहीं है. ऑब्जर्व द शेप्स ऑफ इट्स साइड्स. इसकी साइड्स को ध्यान से देखिए. डेकोरेट दिस बॉक्स यूजिंग वेस्ट मटेरियल एंड मेक अ डस्टबिन आउट ऑफ दिस. आप इस बॉक्स को डेकोरेट करिए वेस्ट मटेरियल से और इसे एक डस्टबिन के रूप में बनाइए. फाइंड डिफरेंट वेज टू यूज वेस्ट मटेरियल्स. और आप अलग अलग तरीके ढूंढिए वेस्ट मटेरियल को यूज़ करने के. टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. अलग अलग चीज़ें बनाने की. एंड इनक्रेज क्लीनलीनेस. और आप सफाई को बढ़ावा दीजिए. मीन्स अपने आसपास के लोगों को और ख़ुद भी सफाई के बारे में जानकारी दीजिए. और बनाए गए डस्टबिन को अपने पर्सनल रूम में रखिए जिससे आप जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो आपके घर का गार्बेज है, उसे आप अपने डस्टबिन में थ्रो कर सकें. डियर स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि वारली क्या है. वारली चित्रकला एक प्राचीन भारतीय कला है जो कि महाराष्ट्र की एक जनजाति वारली द्वारा बनाई जाती है. इट्स ओके फॉर टुडे. टुडेज होमवर्क इज मेक द वारली पेंटिंग ऑन योर मैथ्स नोटबुक. गुड बाय.